वालेकुम सलाम, कैसी हो अलीजे? मैं बिल्कुल ठीक। अलीजे कौन है? अम्मी आए, आज भाई आए हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप ही नहीं आए? फरहीन, उसी को तो मैं लेने आया हूँ। लेकिन आप ही यहाँ तो नहीं है? यहाँ नहीं है? वो तो सुबह से घर से निकली हुई है। सुबह से निकली हुई? यार ना, मेरी बच्ची कहाँ रह गई? बेटा उसके साथ कोई हादसा ना पेश आ गया हो। अल्लाह ना करे आंटी, यही तो मेरा भी सवाल है कि वो कहाँ चली गई है। मुझे क्या पता, वहाँ वो घर पे अम्मी को तो आपके घर का बोल कर गई थी और आपको पता ही नहीं है। हाँ तो उसने किया होगा मुझे फोन, मेरा फोन नहीं लगा होगा ना। फोन नहीं लगा होगा? वो मैसेज कर सकती थी, किसी भी तरीके से आप तक पैगाम पहुंचा सकती थी। कहीं वाकई कोई हादसा ना हो गया, हम पुलिस में रिपोर्ट करवाएं। अपनी मर्जी से जाने वालों की रिपोर्ट नहीं करवाई जाती, और वैसे भी पुलिस रिपोर्ट पे एक्शन लेने के लिए 24 घंटे लेती है। लेकिन तामुल से काम लो, अभी पुलिस को फोन नहीं करो। हेलो, तुमने जाने से पहले मुझसे पूछना तक गवारा नहीं किया। अब अम्मी के यहाँ जाने के लिए मैं तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी मुझे। अच्छा ठीक है, मैं अभी फौरन आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। नहीं, मैं अम्मी के साथ अभी बाजार निकली हूँ भाई, वो वापसी में मुझे ड्रॉप कर देंगे। फरी, तुमने क्यों मेरी जिंदगी अजाब करके रखती है? तुम मुझे, मैं तेरा क्या हशर करती हूँ? आंटी फोन मुझे दे। अयाज बेटा रुक जाओ, वो अपनी सहेली के साथ गई है, वो तुम्हें डर के मारे नहीं बताया उसने। मम्मी और अयाज साथ क्या कर रहे हैं? हाय फरहीन, बेड़ा गर्क हो तेरा। फोन लगा उसको, लगा उसको फोन, निकल के लेकर आ मेरा फोन, लेकर आ मेरा फोन। पानी पी ले अम्मी। पानी के बजाय जहर पिला दो मुझे, ताकि एक ही दफा मर जाऊं मैं। मैं परेशान होने से मसला हल नहीं हो जाएगा। नहीं बेटा, अब ये मसला मुझे हल होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। आप भी पता नहीं कहां गई है। कहां गई होगी? हमारी इज्जतों का जनाजा निकालने गई होगी, और कहां गई होगी? कॉल आ रही है भाई की। हाय हाय, आज ने कर दी होगी अशर को कॉल। अब क्या करूं मैं, अशर को क्या जवाब दूं? फरहीन सत्यानाश हो तेरा। नहीं अम्मी, आप ही को बद्दुआएं ना दें। तो क्या करूं? बद्दुआएं ना दूं तो क्या करूं? फूलों का हार डालूं उसके गले में? मेरा तो दिल चाहता है कि एक ही दफा गला दबा के ना खत्म ही कर दूं इसको। आप ही आई होंगी। दूर रुक, आज तो मैं से जूते मार के निकालती हूं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, अंदर आओ तुम अंदर। अस्सलामुअलैकुम। कहाँ रह गई थी? बैठक में इतना बड़ा तमाशा हुआ आपकी वजह से। अलीजे, खाला के लिए चाय बना के लेकर आप। जी अम्मी। अलीजे सुनो, मेरे लिए भी चाय बना देना, मैं बहुत थक गई हूँ, बल्कि मेरे कमरे में पहुंचा दो। ए फरहीन। जी। तुम्हारी सास कैसी है? बिल्कुल फिट, मजे में। सलाम कहना मेरा उनको। जाऊंगी तो दे दूंगी आपका सलाम। बड़ी ही कोई नफीस खातून है सायमा। दोनों बेटियों के रिश्ते उसके मैंने ही करवाए थे, ससुराल में राज कर रही है अपने। वैसे दामाद तो तुम्हारा भी बहुत अच्छा है। हाँ ये तो है,
अच्छा ये सब बातें छोड़ो, अरे मैं लीजा के रिश्ते के लिए आई हूँ। बड़े अमीर कबीर खानदानी लोग हैं, मगर मजाल है जो तकबर और गुरूर हो उन लोगों पे। दो बेटों का रिश्ता करवाया है मैंने उनका, इतना सा भी कोई जहेज नहीं लिया उन्होंने। अलीजा की तस्वीर दिखाई है मैंने, बड़ी पसंद आ गई उन्हें लड़ी। अब जल्दी से मुझे ये बताओ कि लेकर किस दिन आऊं उन्हें तुम्हारे घर। नहीं अभी रुक जा, मैं घर बदल रही हूँ ना, नए घर में लेकर आना उन्हें। देखो ऐसे लालची लोग नहीं है वो लोग। फिर भी ना मैं घर बदल रही हूँ ना, तू उन्हें थोड़ा इंतजार करने का कह दे। अरे भाई अलीजा के लिए घर क्यों बदल रही हो तुम? फरहीन का रिश्ता भी तो इसी घर में करवाया ना मैंने, कितने शानदार लोग हैं, लाखों में खेल रही है ना। फिर अच्छे रिश्ते रुकते नहीं है, फौरन हाथ से निकल जाते हैं। लोग तो हसरत करते हैं ऐसे रिश्तों के लिए। हाँ वो तो ठीक है, मगर तू समझ ना मैं चाहती हूँ कि तू मेहमानों को ना नए वाले घर में लेकर आ। अच्छा भाई जैसे तुम्हारी खुशी। हाँ ले आ बेटा। बिस्कुट भी ले आती ना? अम्मी भी लाती है। हाँ। चाय लेना है। बेटा क्या करती हो आजकल तुम? बस पढ़ाई चल रही है, लेकिन आजकल घर की शिफ्टिंग हो रही है ना, ज्यादा टाइम नहीं दे पा रही। माशाल्लाह माशाल्लाह। तू बिस्कुट लेकर आ। तो तूने हर हद पार कर दी फरहीन। ऐसा क्या कर दिया है मैंने? बेशरम बेहया, झूठ बोल के सारा दिन तू पता नहीं कहाँ घूमती रही और मुझसे कह रही है कि ऐसा क्या हो गया अम्मी? क्या हो गया आपको? शॉपिंग करने नहीं जा सकती मैं क्या? अच्छा तो फिर क्या शॉपिंग की थी बता, क्या शॉपिंग की थी? यार अम्मी आपने मेरा फोन तोड़ दिया है। अभी बताएं ना क्या खरीदा आपने? नहीं खरीदा मैंने कुछ भी, जो चीज पसंद आई थी बहुत महंगी थी, नहीं खरीद पाई मैं। झूठ, सरासर झूठ बोल रही है तू। आपको अभी तक समझ नहीं आई? मैं अपनी मर्जी के खिलाफ कोई चीज कबूल नहीं करती हूं। तुझे तो आशा ही ठीक करेगा। लगा शक, लगा। मैं तो कहती हूं मिला उसको फोन, मिला उसको और बता उसको अभी कि इन्होंने मेरी शादी उससे मेरी मर्जी के खिलाफ करवाई थी। कि मर्जी के खिलाफ? अगर आपकी शादी जबरदस्ती करवाई गई थी तो आपने अशर भाई से पहले क्यों नहीं बोला? अरे हटो यहाँ से, खानदान की इज्जत के खातिर कर ली थी शादी मैंने, सोचा था एडजस्ट कर लूंगी। कौन सी इज्जत? वो इज्जत जो आज तू अपने पैरों तले रोत कर आई है। पता नहीं कितने महीने लगेंगे इसको सही होने में। आप ही पैसे देंगी इसके? देख फरीन मैं तेरे आगे ना हाथ जोड़ती हूँ, तुझे अपनी परवाह नहीं है तो अपनी छोटी बहन का ही ख्याल कर ले। शादी की उम्र हो गई है इसकी, अच्छे रिश्ते आ रहे हैं इसके, हमारी जिंदगियों को मुसीबत में मत डाल। कौन सी मुसीबत अम्मी? मैं आपकी पराई तो नहीं हूं, अगर कुछ दिन मैं इस घर में सुकून से रह लूंगी तो क्या मसला हो जाएगा? नहीं इस तरीके से नहीं। छोड़े अम्मी, जाने दे इस बात को।